अयोध्या संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अयोध्या के विकास की कथा अभी आपने अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज के श्रीमुख से सुना है। बहन और भाइयों, उन्हीं के समर्थन में अयोध्या वासियों से आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि पूरे देश के अंदर अभी तीन चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन पहला चुनाव है जब आम जनमानस के मुंह पे एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार। और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है जो राम को लाए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को। अयोध्या की आवाज इतनी दबी नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया तो अयोध्या आ रही इस समय, और इसलिए इतने जोर से बोले जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं, रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ है, रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते, रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी। ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना, ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना, पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था, भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया, और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे।